अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। सोमवार शाम दुकान बंद कर घर जा रहे व्यापारी को 3 बदमाशों ने किया लूटने का प्रयास और गोली मारने की धमकी देकर हुए फरार। व्यापारी ने बदमाशों की बाइक पुलिस को सौंप कर तहरीर दी है। दरअसल मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र की आकांक्षा कॉलोनी निवासी देवेंद्र कुमार ने थाने में तहरीर दी। बताया कि उसका स्नेह नर्सिंग होम के पास जनरल स्टोर है। सोमवार रात करीब 8:45 पर वह अपनी दुकान बंद कर कुछ पैसे का थैला लेकर अपने घर जा रहा था। युवक अवतार पार्क के पास पहुंचा तो बाइक सवार 3 बदमाश उसके पास पहुंचे, जिसमें 2 के पास तमंचे तथा 1 के पास पिस्टल था, जिसके बाद देवेंद्र पर जानलेवा हमला किया तथा थैला छीनने का प्रयास किया। लेकिन उसके द्वारा तथा वहां पहले से मौजूद भोला चौधरी के विरोध के कारण बदमाश थैला छीनने में कामयाब नहीं हो सके। विरोध को देखते हुए तीनों बदमाश अपनी बाइक छोड़कर वहां से फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी ने बदमाशों की बाइक पुलिस को सौंप दी तथा थाने में तहरीर दी है। पीड़ित ने अपनी जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। सुनिए पीड़ित देवेंद्र कुमार से मिली जानकारी। दो निकल कर थे, तीनों ने एक सौ दो पकड़े थे, एक सौ बीस चलते वो गोली गाड़ी खड़ी करके और गाड़ी के पीछे दुब गया। वे मेरा थैला उधार भाग गए, मैंने उसको बचाने के लिए मैंने कौन सी बाइक कर दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकल्प देवेंद्र कुमार। कहाँ की घटना है ये? अवतार पार्क के सामने। कितने लूटे हुए? 3 आदमी थे जी, तीनों ने डांटे मार रखे थे। मेरा थैला हिसाब पत्र लगा रहे थे, पैसे थे जी अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीम।